उत्पत्ति एक अध्याय 27 से 28 पद। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उनको सृजा। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ और उसे अपने वंश में कर लो। और पृथ्वी की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 2:7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, क्रूस के संदेश का यह 6वां सत्र है और मैं परमेश्वर के बारे में बात करूंगा जिसने मनुष्यों को रचा। परमेश्वर का ना तो आदि है ना अंत है, वह अनंत काल से पहले से विद्यमान है जिसको कोई समझ नहीं सकता। और फिर एक निश्चित समय बिंदु पर परमेश्वर ने एक योजना बनाई। ये योजना स्वर्गों, पृथ्वी और मानव जाति की रचना की थी। इस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर लंबे समय से एक एक करके सब वस्तुओं को तैयार कर रहा था। सबसे पहले आत्मिक स्थान से जहां वह रहता था, परमेश्वर ने भौतिक स्थान को विभाजित किया जहां वह सब वस्तुओं और मनुष्यों की रचना करने वाला था। तब मूल रूप से विद्यमान एक परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में बनने के लिए विभाजित किया। और उसी समय से परमेश्वर ने एक निश्चित स्वरूप को धारण कर लिया जो अब हमारे पास है। आत्मिक क्षेत्र में उसने आत्मिक प्राणियों की रचना की, जैसे कि स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत और करूब। भौतिक क्षेत्र में उसने पृथ्वी को बनाया जिस पर मनुष्यों को रहना था। सारी तैयारियों को कर लेने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी को पूरे स्तर पर बनाना आरंभ किया। उत्पत्ति 1 अध्याय संक्षेप में हमें 6 दिन की रचना की प्रक्रिया के बारे में बताता है। पहले दिन उसने उज्याले को बनाया, दूसरे दिन अंतर को और तीसरे दिन उसने भूमि और समुद्र को अलग किया और पौधों को, सब्जियों को और फलों के पेड़ों को बनाया। चौथे दिन उसने सूरज, चांद और आकाश के तारों को और पांचवे दिन समुद्र के जीव जंतुओं और पक्षियों को बनाया। 6वें दिन घरेलू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और अंत में उसने मनुष्यों की रचना की। परमेश्वर का भौतिक स्थान को आत्मिक क्षेत्र से अलग करने का कार्य और स्वर्ग और पृथ्वी पर बनाने का, सब कुछ बनाने का उद्देश्य वास्तव में मनुष्यों की रचना के लिए ही था। ठीक वैसे ही जैसे माता पिता बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके कमरे की और सब वस्तुओं की तैयारी करते हैं, जैसे वे खिलौने और सब चीजों को अपने बच्चों के लिए तैयार करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने भी मनुष्यों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया और उनकी रचना की ताकि वे सब वस्तुओं का आनंद ले सके। मानव जाति, पशु पक्षी और पौधे अचानक से नहीं बने, ना ही सूरज, ना ही हवा और पानी। परमेश्वर ने मानव जाति के विकास के लिए प्रत्येक वस्तु को उपयुक्त बनाया। लेकिन क्यों परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना की? क्यों आज तक वह अनेकों लोगों को पृथ्वी पर जीवन जीने देता है? यदि आप इस सवाल का जवाब दे सके तो आप ये निर्धारित करने के योग्य हो जाएंगे कि आपके जीवन व्यतीत करने का क्या उद्देश्य है, कैसे आपको जीवन बिताना चाहिए। मनुष्यों की वास्तविक कीमत को जानने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर का उद्देश्य, जो मानव जाति के रचित जाने के लिए था, उसे जानना चाहिए। आप वास्तविकता में तभी एक अर्थपूर्ण और कीमती जीवन जी सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय दर्शकों, उत्पत्ति 2:7 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा रचा, लेकिन मनुष्य को उसने स्वयं भूमि की मिट्टी से बनाया। उसने ना केवल बाहरी रूप को बनाया बल्कि उसने अंदर के अंगों को, हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिकाओं को बिल्कुल ठीक ठीक बनाया। मनुष्यों को बहुत ही उन्नत और जटिल बनाने के बाद उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और उसी समय से वह जीवित प्राणी बन गया। लेकिन जब लोग इसे सुनते हैं तो कुछ कहते हैं कि वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते। वे संदेह करते हैं कि कैसे एक भूमि की मिट्टी से बनी प्रतिमा में जीवन आ गया और चलने फिरने लग गई। लेकिन यदि आप देखें तो यहाँ तक कि इंसान भी, जो स्वयं एकमात्र प्राणी है, उसने भी इतना ज्ञान एकत्र कर लिया है कि वह ऐसा रोबोट बना सकता है जो मनुष्य जैसा है और कंप्यूटर जो मनुष्यों के दिमाग जैसा है। वे यहाँ तक कि मनुष्यों के कृत्रिम अंदरूनी अंगों और त्वचा को भी बना सकता है।
जब वे मशीन को बनाने के लिए जटिल पुर्जों को एकत्र करते हैं और उसे बिजली से जोड़ते हैं तो वे ऐसे चलने लगते हैं मानो वे जीवित हो। हमारे परमेश्वर ने भी मनुष्यों के शरीर के सब अंगों को बनाया और फिर जीवन के श्वास को मनुष्यों में डाल दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यदि मनुष्य जो केवल एकमात्र प्राणी है इन चीजों को कर सकता है तो फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए मनुष्यों की रचना करना क्यों कठिन होगा? लेकिन क्योंकि मनुष्यों ने अपनी सोच को यहाँ तक सीमित कर लिया है कि वह परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास ही नहीं कर पाता है। परमेश्वर आदि से भी पहले से विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अपनी माँ से पैदा हुआ है। मनुष्य अपना ज्ञान और बुद्धि दूसरे लोगों और प्राणियों से प्राप्त करता है, इसलिए हमें इस सीमित ज्ञान से परमेश्वर को नहीं आंकना चाहिए। जबकि आज भी परमेश्वर हमें सृष्टि के कार्य दिखाता है ताकि हम अपनी मानसिक सोच की सीमाओं और विचारों से बढ़कर सोच सकें। हमारी कलीसिया की बेदारी सभाओं या विदेशी क्रूसेड में बहुत से लोग परमेश्वर की रचना के कार्यों को अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, वे लोग जिनकी टांगे लकवे या यातायात दुर्घटनाओं के कारण छोटी बड़ी हो गई थी, प्रार्थना प्राप्त करने के बाद उन्होंने टांगों में लंबाई बराबर होने का अनुभव प्राप्त किया। छोटी टांगों की ऐसी घटनाओं में टांगे 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर यहाँ तक कि 8 सेंटीमीटर तक बढ़ गई। उदाहरण के लिए, डिकनेस हिक्यूंग सॉन्ग की बाई टांग जन्म ही से दाई टांग से 4 सेंटीमीटर छोटी थी। चलते समय वह लंगड़ाती थी क्योंकि उसकी कमर और कुल्हे की हड्डी मुड़ चुकी थी, इसलिए लंबे समय तक खड़ा रहना या चलना उनके लिए कठिन था। उसने 1997 की बेदारी सभा में प्रार्थना प्राप्त की और उसी समय उसकी छोटी टांग लंबी हो गई ताकि वह सीधी खड़ी हो सके। उसकी कमर सीधी हो गई जो टांग छोटी होने के कारण मुड़ गई थी। कुल्हे की मुड़ी हुई हड्डी भी सामान्य हो गई और उसकी संपूर्ण लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। छोटी टांग को इस प्रकार से बढ़ने के लिए ना केवल हड्डियां बल्कि मांसपेशियों, नसों, त्वचा और कोशिकाओं को एक साथ नया होना होता है। और प्रार्थना द्वारा इन सब अंगों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने रचना के कार्य किए। अब वह शादीशुदा है और उसके पास 2 बच्चे हैं और साथ ही 2002 में भी हमारे पास एक यूनाइटेड क्रूसेड जहां पर लगभग 30 लाख लोग मरीना बीच चेन्नई भारत में उपस्थित हुए थे। एक लड़का जिसका नाम गणेश है वह इस सभा में उपस्थित हुआ। उसके कुल्हे की हड्डी में एक गांठ थी। गांठ को हटाने के लिए उसने एक ऑपरेशन कराया। एक धातु की प्लेट को कुल्हे और जांग की हड्डी को जोड़ने के लिए उसके अंदर डाला गया। एक्सरे में आप साफ साफ मेटल प्लेट और बोल्ट्स को हड्डी में देख सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी गणेश दर्द से पीड़ित था और बैसाखियों के बिना चल नहीं सकता था, लेकिन क्रूसेड में उसने प्रार्थना को प्राप्त किया और एकदम से उसका सारा दर्द खत्म हो गया और वह बैसाखियों के बिना चलने और दौड़ने लगा और अब वह क्रिकेट भी खेल सकता है। कुछ समय बाद हमने सुना कि उसकी हड्डियां जिसमें से कुछ भाग काट लिया गया था वह दोबारा से आ गया और अब उस धातु की प्लेट और बोल्ट को हटाया जा सकता था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर छोटी टांग को लंबा कर सकता है और बिना हड्डी के चला सकता है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उस हड्डी को जो हटाई गई थी दोबारा से बढ़ा सकता है। रचना के इन कार्यों के द्वारा हम निश्चित रूप से विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद उन्हें जीवन का बीज दिया ताकि वे संतान प्राप्त कर सकें। उसने उन्हें पुरुष को शुक्राणु और स्त्री को अंडाणु दिया। माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु में जीवन की शक्ति पाई जाती है। इतने छोटे से जीवन के बीच में माता पिता की शक्ल, सूरत, गुण, बुद्धि और आदतें सब शामिल होती है, इसलिए बच्चे माता पिता जैसे दिखाई देते हैं। कितना हैरान करने वाली बात है ये सब चीजें एक छोटे से बीज में शामिल है जो कि नंगी आंखों से नजर नहीं आता। परमेश्वर ही है जिसने संतान उत्पन्न करने के लिए जीवन के इस बीज को दिया और गर्भधारण भी वह ही कराता है। क्योंकि बच्चे इन बीजों के द्वारा पैदा होते हैं, हम उस व्यक्ति को पिता कहते हैं जो शुक्राणु देता है और दूसरे को जो अंडाणु देती है, जन्म देती है, माँ कहते हैं। यदि आप शुक्राणु या अंडाणु से नहीं जन्मे हैं तो आप अपने माता पिता को माता या पिता नहीं कह सकते। बच्चा माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन से बनता है, लेकिन गर्भधारण होना स्वयं परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित होता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यदि बच्चे माता पिता या अपने पूर्वज जैसे दिखाई देते हैं तो आदम मानव जाति का पूर्वज किसके जैसा दिखाई देता होगा? उत्पत्ति 1:27 कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। आदम और हवा पवित्र परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। ये स्वरूप यहाँ केवल बाहरी रूप को ही नहीं बताता है,
लेकिन मनुष्यों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसका आत्मा है, जबकि उसका शरीर तो केवल आत्मा को रखने का एक पात्र है। ये कहने का कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, इसका और भी अधिक महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के आत्मा से आया है और हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए हम उसे आत्मा का पिता कहते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा गर्भ में आता है, जो कि परमेश्वर द्वारा दिया गया है। जब पहले पहल आदम को रचा गया, उसकी आत्मा केवल भलाई, ज्योति और सत्य से परिपूर्ण थी, बिल्कुल परमेश्वर के समान, जो कि पवित्र और शुद्ध है। लेकिन जब से आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, मानव जाति पापों और बुराई से धब्बित हो गई। अब आदम वैसा नहीं रहा जैसे पहले उसे रचा गया था। उसने पवित्र परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया। इसलिए परमेश्वर में विश्वासी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें दोबारा से पवित्र परमेश्वर की खोई हुई स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप को खो चुके थे, इसलिए हमें प्रभु को ग्रहण करना चाहिए, पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए और परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को दोबारा से प्राप्त करना आरंभ कर देना चाहिए। ये मसीह जीवन है और ये मानव जाति की खेती है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर के वचनानुसार बदला हुआ जीवन जीना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, मानव जाति लंबे समय से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही है कि क्यों मैं जीवित हूँ। हम अपने जीवन के उद्देश्य का साफ साफ जवाब तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। पहले हमें यह जानना और समझना होगा कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और इस पृथ्वी पर क्यों उनकी खेती कर रहा है। यहाँ पर मैंने विशेष अर्थ रखने वाले शब्द खेती का प्रयोग किया है। यह बाइबल के दृष्टांतों में से लिया गया है। उदाहरण के लिए मत्ती 13 अध्याय में यीशु ने मनुष्यों के हृदय की तुलना चार प्रकार की भूमि से की है। उसने बताया कि सत्य को एक फल के रूप में उत्पन्न करने का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि वह परमेश्वर के वचन का बीज किस प्रकार के हृदय में गिरता है। उसने मत्ती अध्याय 3 में गेहूं और भूमि के दृष्टांत द्वारा परमेश्वर के न्याय के बारे में भी समझाया और मत्ती अध्याय 13 में जंगली बीज और गेहूं के दृष्टांत द्वारा उसने बताया कि आत्माएं गेहूं के समान हैं, जो कि स्वर्ग के राज्य के खलिहान में जाएंगी, लेकिन वे आत्माएं जो जंगली और भूसे के समान है, वे नर्क की आग में डाली जाएंगी। बाइबल में इन दृष्टांतों द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों की रचना करना और मानव इतिहास की अगुवाई करना खेती करने के समान है। जैसे किसान भूमि की जुताई करता है और उसमें बोता है, परमेश्वर भी किसान के समान हमारी जुताई करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर का विधान हम मनुष्यों की रचना करने का और हमें पृथ्वी पर रहने देने का एक प्रकार से मनुष्यों की जुताई का विधान है। तो फिर क्यों परमेश्वर ने आदम को रचा और क्यों आज तक वह मनुष्यों की खेती कर रहा है? निर्णायक रूप से मनुष्यों को बोए जाने का उद्देश्य सच्ची संतान को प्राप्त करना है। परमेश्वर सच्ची संतान को प्राप्त करना चाहता था, जिनके साथ वह अपने प्रेम को बांट सके। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास ईश्वरीय सामर्थ्य है, वह न्यायाधीश के रूप में अधिकार रखता है और ईश्वरीय प्राणी होने के कारण उसके पास सख्त न्याय भी है। लेकिन ठीक उसी समय उसके पास मानवीय स्वभाव भी है, जैसे कि प्रेम, दया, भाव, रहम। कई बार वह आनंदित होता है, खुश होता है और कई बार वह उदास होता है और शोकित होता है। क्योंकि उसके पास मानवीय स्वभाव है, इसलिए वह चाहता था कि वह अकेले रहने के बजाय कोई उसके पास हो जिससे वह अपना प्रेम बांट सके। इसलिए उसने मनुष्यों को रचने और उनकी जुताई करने की योजना बनाई। हालांकि उसे कोई जरूरत नहीं थी कि वह मनुष्यों को बनाए। उसके पास तो अनगिनत स्वर्गदूत और स्वर्गीय सेनाएं हैं। वे प्राणी हैं जो बिना किसी शर्त के परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। वे उपासना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। वे ऐसे प्राणी हैं जो अलग अलग स्थिति के अनुसार आज्ञा मानने या ना मानने का निर्णय नहीं लेते, बल्कि बिना किसी शर्त के आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन कुछ स्वर्गदूत हैं जिन्हें परमेश्वर ने मानवीय स्वभाव को दिया था, जो अपने आप चुनाव कर सकते थे। उनमें से एक लूसीफर था। इसलिए लूसीफर ने आज्ञा मानना नहीं चुना, बल्कि विश्वासघात किया। लेकिन परमेश्वर सच्ची संतान चाहता था जो अपनी स्वयं इच्छा से पालन कर सके और अपने हृदय से उसे प्रेम कर सके, इन स्वर्गदूतों के समान नहीं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति के पास एक पुत्र है जो कभी कभी उसे परेशानी देता है और अपने माता पिता का हृदय तोड़ देता है।
लेकिन जब उसके माता पिता उसे डांटते हैं तो बड़े प्यार और खुशी से वह पश्चाताप करता और क्षमा मांगता है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह अपने माता पिता के हृदय को समझने लगता है। और जितना अधिक वह अपने माता पिता को समझने लगता है, उतना ही अधिक उसका धन्यवाद और प्रेम माता पिता के अनुग्रह के लिए बढ़ जाता है। आपका प्रेम दिन प्रतिदिन गहरा होता जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। समय बीतता जाता है, लोग अधिक बुरे होते जाते हैं। पिछले सप्ताह की एक ऐसी ही बुरी खबर मुझे सुनने को मिली। एक बेटा अपनी माँ को घर पर छोड़कर चला गया और उसकी माँ दिमागी बीमारी से ग्रसित थी। शरीर का निचला हिस्सा वह इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन ये बेटा घर छोड़कर चला गया। एक साल बाद वह अपने घर आया। उसकी माँ मर चुकी थी, केवल उसकी हड्डियाँ ही बची थी और कमरा गंदी बदबू से भरा हुआ था। उसे देखकर वह फिर से वापस चला गया बिना उसे दफनाए हुए। बाद में उसे पकड़ा भी गया। इस तरह के बुरे समाचार मुझे हर सप्ताह सुनने को मिलते हैं। आज दुनिया पापों से इतनी भरी हुई है कि इस प्रकार की खबरें हर सप्ताह आप सुन सकते हैं, और साथ ही कितनी घटनाएं तो बिना ध्यान दिए हुए निकल जाती है। जितना अधिक हम अपने माता पिता को समझने लगते हैं, उतना ही अधिक धन्यवाद और प्रेम माता पिता के अनुग्रह के लिए बढ़ जाता है। मान लीजिए कि घर में कोई हाईटेक रोबोट है और इसे मनुष्यों के रूप में बनाया गया है, यहाँ तक कि बोल भी सकता है, आज्ञा भी मान सकता है, और ये मालिक की मदद के लिए बिना किसी परेशानी के कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। और ये उस पुत्र के समान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कोई परेशानी नहीं देगा और ना ही माता पिता का दिल तोड़ेगा। तो आप किसको चुनेंगे, रोबोट या पुत्र को? क्या आप ये कहेंगे कि आपको पुत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास तो अच्छा व्यवहार करने वाला हाईटेक रोबोट है? ये बात कोई महत्व नहीं रखती कि रोबोट चाहे कितनी भी आज्ञा का पालन क्यों ना करें और मनुष्यों जैसा दिखाई दें, उसकी तुलना हम अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, जिनके साथ हम अपना हृदय बांट सके। एक बार मैंने मैनाओं को पाला था। उन्हें मैंने हेलो बोलना सिखाया, वे जल्दी ही सीख गई। वे बुरी बातें भी बोलती थी जो उन्होंने पहले सीखी थी। वे लोगों से सवाल पूछती थी, क्यों क्यों इस तरह से। मैं देखना चाहता था कि कितनी जल्दी वे मनुष्यों की बोली सीख सकती है, इसलिए मैं उन्हें बाइबल पद सिखाना चाहता था। लेकिन क्या ये पक्षियां मनुष्यों की बोली सीख सकती हैं? वे केवल खाती हैं और पूरे दिन भर अपना पेट खाली करती हैं, क्योंकि वे पूरे दिन भर ऐसा करती हैं, इसलिए उनकी बदबू पूरी मंजिल पर आती थी। जब चर्च के सदस्य मेरे घर पर आते थे, उन्हें अच्छी खुशबू आनी चाहिए थी, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। चाहे एक रोबोट कितना ही आज्ञा को मानता हो या मनुष्यों के जैसा दिखाई देता हो, लेकिन उसकी तुलना हम अपने बच्चों से नहीं कर सकते, जिनके साथ हम अपना हृदय बांट सकते हैं। परमेश्वर इसी प्रकार की सच्ची संतान को प्राप्त करना चाहता था, जिसके साथ वह अपना हृदय बांट सके, बजाय इसके कि स्वर्गीय सेना और स्वर्ग दूतों के साथ, जिन्हें केवल आज्ञा मानने के लिए बनाया गया था। वह सच्ची संतान चाहता था जो अपनी स्वयं इच्छा से प्यार के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया। यदि उसने सच्चे संतान को, जो उसका हृदय जानते और अपने हृदय की गहराई से उसकी आज्ञा का पालन करते पाया होता, तो वह उन्हें स्वर्ग के अनंत राज्य में ले गया होता और उन्हें केवल आनंद और खुशी का आनंद लेने देता। लेकिन जब आप खेती करते हैं तो आप केवल गेहूं ही प्राप्त नहीं करेंगे। यद्यपि किसान अपनी पूरी कोशिश करता है, तो भी वहाँ केवल गेहूं ही नहीं होता, वरन कटनी के समय भूसी भी होती हैं। आप भूसी को खा नहीं सकते, और यदि आप भूसी को गेहूं के साथ खलिहान में रखते हैं, तो गेहूं भी खाने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए भूसी को आप केवल खाद के लिए या जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार मानव जाति को बोने के बाद अंत में परमेश्वर गेहूं और भूसी को अलग अलग करेगा। मत्ती 3:12 कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान पूर्णतः साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो भुजने की नहीं। यहाँ ना भुजने वाली आग नर्क को दर्शाती है। परमेश्वर द्वारा ठहराया गया अंत जब आता है, परमेश्वर मानव जाति की खेती का अंत करेगा और प्रत्येक का जो इस पृथ्वी पर रहते हैं न्याय करेगा। उस समय जो गेहूं नहीं बल्कि भूसी बने होंगे, वे नर्क की आग में न्याय द्वारा डाले जाएंगे। सो वे किस प्रकार के लोग हैं जो गेहूं हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं, और किस प्रकार के भूसे हैं जो नर्क में गिरते हैं? गेहूं वे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचनानुसार जीवन जीते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने परिश्रम पूर्वक बुराई से छुटकारा पाया है और परमेश्वर के स्वरूप को फिर से प्राप्त किया है। इसके विपरीत भूसी वे हैं जिन्होंने यीशु को अपना निज उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है। ये वे लोग हैं जो झूठ और अंधकार में जीते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो परमेश्वर में अपने विश्वास का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने हृदय में विश्वास नहीं करते।
लेकिन झूठ और अंधकार में जीते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि प्रत्येक जो कलीसिया में जाता है पूरी तरह पका हुआ गेहूं नहीं होता। यदि भी वे होठों से दावा करते हैं कि वे प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जीते वरन पापों में संसार की अभिलाषा का अनुसरण करते हुए जीते हैं, वे गेहूं नहीं वरन भूसी है। इसलिए मत्ती 7:21 कहता है, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। 1 तिमोथी 2:4 कहता है, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक उसके हृदय को जाने, गेहूं बने और उद्धार प्राप्त करें। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया। लेकिन तो भी जिन्होंने अभी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, या वे जो अभी भी पापों में जीते हैं, वे परमेश्वर की सच्ची संतान होने की कीमत को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जिन्हें परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया था वे परमेश्वर की सच्ची संतान नहीं बन सकते, क्योंकि मनुष्यों के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए वे जानवरों से अलग नहीं है, वे कुछ नहीं वरन भूसी है। परमेश्वर इस भूसी को स्वर्ग के राज्य में आत्माओं के साथ जो गेहूं है नहीं ला सकता। उन्होंने मनुष्यों के होने के कर्तव्य को खो दिया है। क्या होगा यदि परमेश्वर उन्हें जो नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई और सब प्रकार की बुराई करते हैं स्वर्ग के राज्य में आने दे? तब तो स्वर्ग का राज्य आनंदित, सुंदर, महिमा युक्त स्थान नहीं रह जाएगा। सो उन आत्माओं का क्या होगा जो स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकते? क्या वे विलुप्त हो जाएगी? वे आत्माएं भी जो भूसी है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से जीवन का श्वास प्राप्त किया है, इसलिए वे हमेशा विद्यमान रहेगी, विलुप्त नहीं होगी। इसीलिए जरूरी है कि उनको हमेशा के रखने के लिए स्थान हो। वह स्थान नर्क है। वे आत्माएं जो भूसी बन चुकी है वे अपने पापों की मजदूरी के अनुसार अनंत आग में सजा पाएगी। नर्क आग की झील और गंधक की झील में बंटा हुआ है। एक बार यदि किसी को इनमें से एक झील में डाल दिया तो उसे वहां हमेशा हमेशा के लिए दुख उठाना होगा। हमारे प्रभु ने यह भी कहा, नर्क की आग कभी नहीं बुझेगी। वहां तो हमेशा हमेशा के लिए दुख उठाना होगा। ये सब बातें स्पष्ट और सत्य है। हमारे सब सदस्य अपनी आंखों से देखकर इनके गवाह है। वे बाइबल में दिए गए चिन्हों और चमत्कारों का अनुभव कर रहे हैं। सो आप विश्वास कर सकते हैं कि बाइबल सत्य है और एक जीवन है जो आने वाला है। स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग और नर्क पुस्तकों के द्वारा आप इनके बारे में जान सकते हैं। स्वर्ग और नर्क में विश्वास कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो संदेह करते हैं और विश्वास में जीवन व्यतीत नहीं करते। मैं उनके लिए बहुत दुख महसूस करता हूँ। मेरा हृदय उनके लिए जलता और पीड़ित होता है। वे हर सप्ताह अनेकों प्रमाण देखते हैं, कैसे वे संदेह कर सकते हैं? मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और देखने वाले श्रोताओं, अब तक आपने सुना कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया और उनकी क्यों खेती करता है इस धरती पर। क्या अब आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हम क्यों जीवन बिताते हैं? हम परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हमारी खेती कर गेहूं बनने के लिए जीते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर सृष्टिकर्ता में विश्वास करना चाहिए और फिर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहिए, और साथ ही हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए और अपने आप को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा पवित्र जीवन जीने के लिए बदलना चाहिए। यदि आप ऐसा करें तो परमेश्वर आपको अपनी सच्ची संतान मानेगा, जिनके साथ वह अपना प्रेम बांट सकता है। परमेश्वर केवल तभी आपको सुरक्षित रखता है जब आप उसकी सच्ची संतान हो। वह आपके साथ चलेगा, पवित्र आत्मा की अग्नि रूपी दीवारों से आपको सुरक्षा देगा, स्वर्गीय सेना और स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा, ताकि शत्रु, दुष्ट और शैतान बीच में ना आ सकें और ना ही कोई बीमारी और घोर विपत्ति प्रभावित कर सकें। हमारे सब सदस्यों को परमेश्वर के वचन को उचित तरीके से समझना चाहिए, सही से इसकी शिक्षा देनी चाहिए और अभ्यास में लाना चाहिए। हमारी कलीसिया का सिर प्रभु है, वह प्रभु है, वह हमारा प्रभु है, वह हमारा राजा है, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वह इसराइल का राजा बनकर आया, उसे राजाओं का राजा कहा गया। आपको बाइबल को सही तरीके से समझना चाहिए। कलीसिया का सिर यीशु है, वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब परमेश्वर ने उसे नया नाम दिया, परमेश्वर ने उसे राजाओं का राजा कहा, और बाद में वह आपको सुंदर स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा और आपके साथ अनंत जीवन का आनंद उठाएगा। प्यारे भाइयों, बहनों और दर्शकों, नर्क वास्तव में है। परमेश्वर ने मुझे गहरी आत्मिक बातचीत के द्वारा स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन बातों को हमने किताबों में प्रकाशित किया है और पूरे संसार भर में बहुत सी विनतियां इन किताबों के लिए आती है। स्वर्ग वास्तविकता में सुंदर और खुशनुमा स्थान है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिय बच्चों के लिए सजाया है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर जगह की तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वर्ग राज्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्यों की योग्यता से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। बाइबल में प्रेरित पौलुस ने कहा कि उसने स्वर्ग लोक देखा और स्वर्ग लोक स्वर्ग निवास स्थानों में सबसे निचला स्थान है। स्वर्ग में निवास स्थानों में निचला स्थान देखने के द्वारा उसने महान ताकत, ज्ञान और आशा प्राप्त की। यहाँ तक कि गंभीर सताओं और आजमाइशों में भी वो आनंदित हो सका, धन्यवाद दे सका और अपने पूरे जीवन भर प्रभु के लिए जीवन जी सका। मैंने आपको बताया था कि कैसे वो शहीद हुआ खुशी के साथ। परमेश्वर मनुष्य जुताई कर रहा है इस धरती पर कि आपको और मुझे इस तरह के सुंदर स्थान में अगुवाई करें। मैं आशा करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आपने जाना होगा कि क्यों आपकी जुताई इस धरती पर हो रही है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए रहने के योग्य होंगे और सच्चे संतान के रूप में परमेश्वर के साथ प्रेम बांट पाएंगे। कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखे जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोलिए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और अजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, चतुर दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियाँ, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा छुटकारा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, दर्द के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिंगता, उदासी, और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाए। उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन से वेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, चतुर दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, उनकी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठी आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारे, पापों को दूर करने के लिए सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वास्थ्य में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, परेशानों और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपने धरती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन।